मैं सबसे कहूंगा आज अपना सारा इल्म समेट के बैठो और मैं आज तुमसे मुखातब हूं, आपसे मुखातिब हूं। मैं सारे उलूम पर आज इंशाल्लाह डिस्कस करने की कोशिश करूंगा, सारे नहीं जितने मेरे बसात के मुताबिक हैं। मैं आज पहले आपको ये बता दूं कि कुरान इस्लाम की रोशनी में हमारे नज़रिए के एतबार से पहले इसकी थोड़ी सी तारीख। कुरान जो है ये लफ्ज़ अरबी है, बार बार पढ़ी जाने वाली चीज़ को कुरान कहा जाता है और दुनिया में ऐसी कोई किताब ही नहीं जिसको सबसे ज़्यादा कुरान के अलावा पढ़ा जाता हो, कोई किताब नहीं। इतनी ज़्यादा कसरत से जिसकी तिलावत होती है दुनिया में ऐसी कोई किताब है ही नहीं, कोई किताब नहीं। अहादीसे रसूल भी नहीं, क्योंकि वो तिलावत नहीं होते, कुरान की तिलावत होती है। करोड़ों मुसलमान हैं और बगैर कुरान की तिलावत किए किसी की नमाज भी मुमकिन नहीं, किसी की नमाज भी नहीं है। आपकी नमाज कुरान के बगैर होती है? नहीं होती। तो कसरत से तिलावत करने वाली चीज को कुरान कहा जाता है, इसीलिए इस मुसहफ को यानी इस किताब का नाम कुरान रखा गया। हालांकि कुरान पाक हमारी जुबानों में मशहूर है, इसका एक ही नाम नहीं है और 27 नाम अलग हैं। कुरान पाक को अरबी में अलग अलग नामों से जिक्र किया गया है, बल्कि खुद कुरान में ही इसके कई नाम आए। कुरान में अल्लाह ताला ने इसको फुरकान भी फरमाया, इसी को तंजील भी फरमाया, इसी को किताब भी फरमाया, इसी को नूर भी फरमाया, इसी का एक नाम शिफा भी है, इसी का एक नाम रहमत भी है, इसी का एक नाम अलबयान भी है, इसी का एक नाम अहसनुल हदीस है, इसी का एक नाम अल बुरहान है, इसी का एक नाम अल मीज़ान है, इसी का एक नाम अल अमाना है और इसी का नाम कुरान पाक भी है। ये तमाम नाम कुरान पाक के खुद कुरान में इस्तेमाल हुए हैं, अल्लाह ने खुद कुरान पाक में फरमाया है। कसीर नाम है और हर नाम की एक अलग अलग वजह है कि क्यों इसका नाम ये रखा गया। अब अंदाज़ा करो आप कि मैं एक एक नाम की तशरीह बयान करूं तो 27 दिन तो इसी में लग जाएंगे कि कुरान के नाम क्या क्या हैं। एक एक नाम कुरान क्यों कहा गया, मैं तो उसकी एक मुख्तसर वजह बताया ना, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली चीज है इसलिए इसको क्या कहते हैं, कुरान। इसी तरह बयान, अल्लाह ने फरमाया हर चीज का इसमें बयान है, कुछ भी नहीं छोड़ा गया है इसलिए इसको बयान कहते हैं। तंजील इसलिए कि ये उतारा गया है इसलिए इसको तंजील कहते हैं। अहसनुल हदीस है, सबसे अच्छी बात को कहते हैं अरबी में और कुरान से अच्छी बात कोई है नहीं इसलिए इसका नाम अहसनुल हदीस है। इसका एक नाम शिफा है इसलिए कि इसकी आयतें मरीजों पर पढ़ो तो शिफा मिलती है। इसका नाम हुदा है इसलिए कि इसमें हिदायत की आयतें हैं, भटका हुआ बंदा अगर पढ़ ले तो सीधे रास्ते पर आ जाए। इसका नाम रहमत है इसलिए कि गम में अगर कभी बंदा इसको पढ़ ले, बल्कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी मैयतों पर सूरह यासीन पढ़ो, उन पर रहमत होती है। तो कुरान का नाम रहमत भी है, इसीलिए कुरान के अस्मा और कुरान के नामों की तफसील अपना एक अलग टॉपिक है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जिस कुरान को हमने तर्क किया हुआ है आज, ऐ मेरे अजीज बच्चों, आज की महफिल के बाद मैं सबसे कहूँगा अहद करके उठना कि ऐ अल्लाह मुझे उस वक्त तक मौत न दे जब तक मेरे सीने में कुरान का कोई हिस्सा ना आ जाए। इसलिए कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस मुसलमान के सीने में कुरान का कोई हिस्सा नहीं, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो कब्रस्तान की तरह वीरान है। जिस घर में कुरान की तिलावत नहीं होती वो घर वीरान है, खराब। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वहां से फरिश्तों की दूरी होती है और शयातीन और सरकश जिन्नात उनके घरों में बसेरा करने लगते हैं जिन घरों में कुरान की तिलावत नहीं होती। कुरान का एक हिस्सा, एक हिस्से से मुराद चंद आयतें, चंद सूरतें भी अगर तुम्हें याद हैं, इंशाअल्लाह लजीज आप इसकी फजीलत के साथ कयामत के दिन शफाअत के मुस्तहिक भी होंगे। कुरान का थोड़ा हिस्सा भी अगर तुम्हारे सीने में मौजूद है, इसलिए कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सहाबा इकराम ने फरमाया, अर्ज किया आखा दुनिया से जाने के वक्त सबसे अच्छी चीज क्या लेकर के जाएं इस दुनिया में। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रब तआला के नजदीक वो बंदा दुनिया में लाने वाली चीजों में सबसे बेहतर है जो कुरान अपने साथ लाया हो। कुरान अपने साथ लाया हो
मतलब क्या है, कब्र में ये लिखा हुआ कुरान रख दिया आपने और ये सोचा कि हमारी मैयत कुरान लेकर जा रही है। मियां कुरान ये वर्की कुरान नहीं कह रहा हूं मैं, कुरान वो नफ्से कुरान जो लोहे महफूज में है और तुम्हारे दिलों में उतरा हुआ है, उस कुरान की बात कर रहा हूं। वो कुरान जिसने भी अपने सीने में रखा और अल्लाह की बारगाह में गया, उसकी सिफारिश कुरान की मरदूद नहीं होती। रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दो चीजें तुम्हारे अमल में से, तुम्हारे अमल जितने भी हैं दुनिया में, जैसे नमाज, रोजा, हज, जक़ात, खैरात, सदकात, ये सब जो आमाल हैं, इन सारे आमाल में से दो अमल ऐसे हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, वो कयामत के दिन उनको अल्लाह ताला शक्ल देगा, इंसानों जैसी एक शक्ल, और वो अपने साथी की सिफारिश करने के लिए झगड़ा करेंगे। वो आएंगे सिफारिश के लिए, पूछा गया वो कौन सी, कहा एक रोज़ा रमज़ान, अल्लाह ताला उसको शक्ल देगा, और दूसरा कुरान, इसको भी शक्ल दी जाएगी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके हक में ये दोनों ने सिफारिश कर दी उस पर जन्नत वाजिब हो गई, और जिसके खिलाफ आकर के ये दोनों खड़े हो गए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर उस पर दोजख में जाना लाजिम हो जाएगा। अगर ये दोनों आकर खड़े हो गए किसी के खिलाफ, कुरान और रमज़ान, रमज़ान कहेगा कि मौला मैं इसके घर जाता था, इसने बेहुरमती की है मेरी, बेइज्जती की है, मैं जब जाता था तो ये बेहयाइयां वैसे ही करता था, मेरा अदब व एहतराम कभी नहीं किया इसने। अगर रमज़ान हमारे खिलाफ खड़ा हो गया, और कुरान अगर ये कह दिया कि मौला कभी इसने मुझे अपने सीने से नहीं लगाया, कभी मेरी आयतें तिलावत नहीं किया, इसको आज माफ़ ना किया जाए, रब ताला उन दोनों की सिफारिश इस हक में भी कबूल करेगा और दोजख में भेजेगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो सैयदुल मासूमीन हैं, बख्शे हुए हैं, वो दुआ ये करते थे, اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا حجة علينا, اے اللہ قرآن کو قیامت کے دن ہمارا سفارشی بنا, ہمارے خلاف مقدمہ کرنے والا نہ بنا۔ اندازہ کرو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب یہ دعا فرماتے تھے, اس قرآن کو تم ہلکا نہ سمجھو, اے مسلمانوں سوچنے کی بات ہے, تمہارے پاس ہزار کتابیں نہیں ہیں, ایک ہی قرآن ہے جس سے ساری امت کو جوڑا گیا ہے, और हद तो ये भी है, इस्लाम में इस्लाम के नाम पर 70 से ज़्यादा फ़िरक़े बने, बहुत फ़िरक़े बने, हर सदी में कुछ ना कुछ फ़िरक़े जन्म लेते रहे और मरते भी रहे, आज भी हैं 70 से ज़्यादा फ़िरक़े पाए जाते हैं, बल्कि ख़ुद शियों में 70 फ़िरक़े हैं, खवारिज में अलग फ़िरक़े हैं, उनके अलावा और दूसरे फ़िरक़े जैसे कादियानी हैं, बदअकीदा हैं, जो इस्लाम की कुछ ना कुछ बुनियादी चीज़ों से इन्हिराफ करते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, तकरीबन जितने इस्लामी फ़िरक़े हैं सबका इत्तेफाक है कि कुरान यही है, कोई और नहीं। ये 30 पारे जो कुरान के हैं इस पर सबका इत्तेफाक है, ये भी कुरान का एक मौजज़ा है। दूसरे सारे मसलों में इख्तिलाफ चल रहा है, लेकिन कुरान का अलिफ लाम मीम सूरह फातिहा से शुरू होकर वन्नास पे ख़त्म होने में तकरीबन सारे फ़िरक़े इसको तस्लीम करते हैं। शियों का हमारा इख्तिलाफ है, अहले हदीस से इख्तिलाफ है, देवबंदियों से इख्तिलाफ है, राफजियों से इख्तिलाफ है, कादियानियों से इख्तिलाफ है, लेकिन जाकर के सारे मकातिब फ़िक्र में आप देखें, सबके यहाँ यही कुरान पढ़ा जाता है, यही कुरान है। इसीलिए मैं कहता हूं एक कुरान है, लेकिन इस उम्मत ने इसको इतना बोझल क्यों समझा है, इसको इतना भारी क्यों समझा है, जबकि वो मौला इसी कुरान में यूं फरमाता है, एक बार नहीं चार बार फरमा रहा है, वलकद यस्सरनल कुरान लिज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर, हमने कुरान को याद करने के लिए आसान बनाया है, हर कोई याद करने वाला, और वो इतना आसान है, इतना आसान है, मैंने खुद देखा है कि वो बच्चे जिनको अभी सूझबूझ भी नहीं आती, समझ बूझ भी नहीं आती, वो भी जब कुरान याद करने लग जाते हैं तो उनके सीनों में कुरान उतर जाता है। जब मैं खुद कुरान हिफ्ज़ करने के लिए निकला था, हमारी उम्र 11 साल की थी, बहुत सारे मामला समझ में नहीं आते थे, लेकिन हमने तेज़ी से याद किया, अल्लाह का फजल था, हमारे साथ कुछ ऐसे भी थे
जिनको 2+2 क्या होता है ये भी नहीं मालूम था, लेकिन वो 30 पारे के हाफिज थे। दूसरी चीजों में अगरचे जहन कुंद हो, लेकिन कुरान एक मौजजा है जो याद करने वाले के सीने में उतर जाता है। हाँ, ये उसके साथ नहीं जाता जो इसको भारी समझता है, जो इसको बोझल समझ करके छोड़ा उसके साथ नहीं जाता, और जो इससे मोहब्बत किया उसके सीने में बहुत आसानी से उतरता है। मैंने तो महसूस किया है, हमारे साथ ऐसा भी होता रहा है, उस्ताद बैठे हुए हैं सुनते रहते थे, एक दिन का इत्तेफाक ऐसा हुआ कि खबर ये लगी कि कल शायद उस्ताद आने वाले नहीं हैं, मौज मस्ती करते हैं सारे, कल का तो सबक छुट्टी है, कुछ याद नहीं, क्योंकि पहले ही मालूम हो गया उस्ताद नहीं आने वाले हैं, और सुबह 8 बजे से क्लास चलती थी, 9 बजे तक नहीं आए तो पक्का हो गया कि आएंगी। क्लास बंद करके निकलने ही वाले थे कि उस्ताद सामने नजर आ गए। सबको कहा बैठो, मेरी कोई छुट्टी नहीं है, मैं ताखीर हो गया था, बस मौखर हो गया था, अब सबक सुनाने के लिए जिसको भी बुलाया जाए, जाहिर सी बात है जो सख्तियां होती थी, कहां से, रात को याद नहीं किए, सुबह याद नहीं किए, सामने अचानक सुनने के लिए। ऐसे आलम में मेरा खुद का तजुर्बा भी है, कई हमारे साथियों का भी तजुर्बा है, कुरान पर हाथ रखा, दिल से कहा अल्लाह का कलाम है, उतर जा जल्दी से, बस और कुछ नहीं। शायद 10 मिनट लगे हों, 15 मिनट लगे हों, कुरान के 2 सफ़े याद हो जाते थे। जितनी जल्दी पानी हजम नहीं होता उससे जल्दी कुरान याद होता था। करके तो देखा होता आपने, करके तो देखा होता। शुरू में शैतान बहुत वरगलाता है, बहुत बहकाता है, याद करने नहीं देता और भगाता है, लेकिन जो जम गया तो फिर कुरान ही उसका मददगार भी होता है, कुरान उसका मददगार होता है। अब मैं चंद हदीसें आपको बताऊं कि कुरान कहां तक तुम्हारी दोस्ती निभाता है। पहली बात, कुछ लोग डर करके छोड़े हुए, हम तो पढ़ ही नहीं पाते थे, उस पर भी मैं आज एक हदीस पढ़ा, हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी है, फरमाती हैं रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमा अल माहिरु फिल कुरान, जो कुरान का माहिर है यानी अच्छी तजवीद में तिलावत करता है और उसके मानी भी समझता है, सब समझता है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत के दिन वो मुअज्जज मोहतरम फरिश्तों और अंबिया के साथ होगा। जो माहिर है कुरान में, जो कुरान अच्छे से तिलावत करता है, यहां तक तो बात ठीक है, आगे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वल्लज़ी यक्रा अल-कुरान यततअतअ फीहि व अलैहि शाक्कुन फलहु अजरानि औ कमा क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका फरमाते हैं और वो बंदा जो अटक अटक के पढ़ता है उसके लिए जुबान फिसल जाती है, ये साफ है अल्फाज हदीस में, जो अटक अटक के पढ़ता है जुबान फिसल जाती है, या जहन मोटा है जुबान मोटी है, जल्दी समझ में नहीं आता, इधर उधर हिज्जे करके पढ़ता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसको डबल अजर है, फलहू अजरानी, उसको दुगना अजर है। तो क्यों छोड़ दिया था इस कुरान को, यही सोच करके पता नहीं कहां गलती हो जाए, तुम लगे रहते हैं, एक दिन वो आ जाता जब हमारी जुबानों की लकनत को भी ये सही कर देता। कुरान पाक इलाज भी है, शिफा भी है, दवा भी है, रिस्क भी है, रहमत भी है। अज़ीज़ा ने गिरामी, मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहादीस के चंद जुमले मैं आपके सामने रख दूं, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो कुरान घर में तिलावत करता है उसके लिए एक फरिश्ता है जिसका नाम सकीना है। हज़रत उसैद बिन हुज़ैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक सहाबी हैं, वो रात में तिलावत कर रहे थे, अचानक बादल का एक टुकड़ा नीचे आ गया। बादल का टुकड़ा कभी नीचे आपने देखा नहीं होगा, उसमें क्या होता है मालूम है, जैसे फ्रिज खोलने के बाद बहुत तेज शबनम जैसी ठंडक रहती है, इस तरह बादलों को कुछ जमी हुए पानी और बर्फ जैसी चीजें घेरी हुई रहती है, एक टुकड़ा उनके ऊपर आ गया। हज़रत उसैद डर गए, उनका घोड़ा हिनहिनाने लगा, दो तेजी से उछल कूद करने लगा, और वो कुरान पढ़ रहे थे उस वक्त, और उन्होंने कुरान छोड़ दिया और सुबह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में आए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे डर लग रहा है, रात को मैं छत पर बैठकर कुरान पढ़ रहा था, सिर्फ मेरी बीवी है और मेरे घर में एक घोड़ा है,
हम मुझे डर ये लगा कि आसमान से कुछ बरस जाएगा और मैं हिलाक हो जाऊंगा। बादल का टुकड़ा यहां तक आ गया था, सर तक आ गया था, और मेरा घोड़ा भी देख करके हिनहिनाने लगा, उछल कूद करने लगा। ये क्या मामला है? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्कुराया, कहा उसे तिलावत छोड़ क्यों दिया और पढ़ते रहते हैं? इसलिए कि वो फरिश्ता है जिसे कुरान सुनने का बहुत शौक है। जब भी कोई कुरान तिलावत करता है तो आसमानों से उतर आता है। यहां तक कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फजर की नमाज में आओ, अपने मुंह साफ करके आओ, अपने मुंह की बदबू निकाल करके आओ। पूछा क्यों? फरमाते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब तुम नमाजों में कुरान की तिलावत करते हो, कुछ ऐसे फरिश्ते हैं वो अपना मुंह तुम्हारे मुंह से लगा देते हैं, तो मुंह की बदबू ना हो, फरिश्तों को तकलीफ ना हो, इसलिए कि वो कुरान सुनने के शौकीन हैं। जब तुम तिलावत करते हो तो वो उतर जाते हैं और तुम्हारे मुंह से अपना मुंह लगा लेते हैं। कुरान की ये बरकत है मेरे अजीजों, दूसरी किताबों के लिए कहीं ऐसी फजीलत नहीं मिलती। ये तो मैं दायरा इस्लाम में मौजूद मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बताई हुई हदीसें आपको पहले बता रहा हूं,